नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो रुपीज 50 है, 50 रुपीज से नीचे के जो अच्छे स्टॉक्स है, तो जो भी अच्छे स्टॉक्स है जो 50 रुपये के नीचे बिल है उन 10 स्टॉक्स को बताएंगे। और हम इसमें जो 10 स्टॉक आपको बताएंगे उसमें से 5 स्टॉक्स आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि 5 इसमें कौन सा वैसा स्टॉक है जिसमें रिटेल इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करनी चाहिए। दोस्तों 10 स्टॉक जो बताएंगे 10ों में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, इसमें जो है अलग अलग सेक्टर से आपको 5 स्टॉक चुनना है जिसमें आप छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करेंगे। जैसे आप अगर 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है तो आप इसमें 1,000, 2,000, 5,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब 1,000 5 स्टॉक में इन्वेस्ट किए, हमेशा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। या आप चाहते हैं तो ये 10 स्टॉक छोड़ करके भी किसी छोटे स्टॉक पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे होता है क्या है, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होता है स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप सब में। तो इससे आपको अगर ये स्टॉक जो छोटे प्राइस वाला कभी मल्टीबैगर रिटर्न देता है तो आपको छोटे से इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न भी मिल जाएगा। अगर थोड़ा सा लॉस भी होता है तो आपको बहुत ही कम अमाउंट लॉस होगा। तो इसलिए आपको छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करना है और डाइवर्सिफाई करना है। तो 10 स्टॉक बताते हैं जिसमें कई स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है, कई राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में भी है, जो कि हमारे स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं, मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट के वॉरेन बफेट माने जाते हैं। उनके पोर्टफोलियो में भी इसमें से 2-3 स्टॉक्स हैं जो हम जब उस स्टॉक पर जाएंगे तो चर्चा भी करेंगे कौन से स्टॉक्स उनके पोर्टफोलियो में है। तो दोस्तों हमारा पहला स्टॉक है IDFC फर्स्ट बैंक। दोस्तों ये बेहतरीन स्टॉक्स है, एक बेहतरीन बैंक है जो कि इस पैंडमिक सिचुएशन, इस लॉकडाउन में भी बेहतरीन रिजल्ट फेस किया था, प्रॉफिट फेस किया था। तो इस स्टॉक को आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आप छोटे प्राइस के स्टॉक में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। ये राकेश झुनझुनवाला जी के भी पोर्टफोलियो में है, तो आपको हमने पहले ही बताया जो जो उनके पोर्टफोलियो में उन स्टॉक की हम चर्चा करेंगे तो बताते चलेंगे आपको। ये स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है क्योंकि आप देख सकते हैं इतना बड़ा पैंडेमिक सिचुएशन में भी अच्छा प्रॉफिट देना काफ़ी सारे बैंकों के लिए चुनौती है और ये छोटा सा बैंक प्रॉफिट पेश किया है। और इसका जो हाईएस्ट प्राइस है वो 50 रुपीज़ के आसपास है और जो लोवेस्ट प्राइस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो लोवेस्ट प्राइस है 18 रुपीज़ के आसपास है। यहाँ पर 52 भी खाए गलत है, तो देख सकते हैं गूगल में भी हम सर्च करते हैं तो यहाँ पे भी गलत बता रहा है, तो ये आपको नहीं देखना है। 52 भी हाई जो है 50 रुपीज़ और लो जो है 18 रुपीज़ के आसपास है। तो आप इन प्राइस पर जो अभी प्राइस है इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं पहला SIP। और जैसे जैसे नीचे गिरावट आता है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में बोला जा रहा है कि गिरावट आएगा, तो आप वेट भी कर सकते हैं, आप 6 महीने बाद भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर ये 20 रुपीज़ के आसपास मिलता है तो इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप जो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं एक छोटा सा अमाउंट। तो ये पहला स्टॉक हो गया जो 50 रुपीज़ से कम प्राइस पर मिल रहा है और काफ़ी बेहतरीन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है और काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पर आपको मिल रहा है। दूसरा स्टॉक है हमारा ट्रिडेंट लिमिटेड। ये भी स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है, इसका करेंट प्राइस है 6 रुपीज़ 70 पैसा। पहली स्टॉक 60 रुपीज़ 70 रुपीज़ का हुआ करता था, स्प्लिट के कारण आपको ये 10 रुपीज़ से भी कम पे मिल रहा था। ये काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, इसका चार्ट भी देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन है लॉन्ग टाइम में। थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट आया था लेकिन ओवरऑल देखिएगा तो अप ट्रेंड में है ये स्टॉक्स। जब पैंडमिक आया था तो ये स्टॉक्स आपको 4 रुपीज़ से नीचे मिल रहा था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं काफ़ी ख़राब रिजल्ट आया इसका, उसके बाद भी इस स्टॉक में काफ़ी रैली, किसी दिन 5% का अपर सर्किट तो किसी दिन लोअर सर्किट आपको देखने मिलेगा। अपर सर्किट इस कारण से लग रहा है क्योंकि इसमें न्यूज़ आया कि प्रमोटर्स ही इसमें अपना स्टेक बढ़ाया है, 30 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है इन्वेस्टर ने, मतलब जो प्रमोटर्स है, प्रमोटर्स ने यहाँ पर स्टेक अपना बढ़ाया है, 30 करोड़ रुपया का कुल शेयर उन्होंने उठाया है, उसके बाद इसमें काफ़ी तेजी देखने मिला। ये दूसरा स्टॉक हो गया जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो छोटे अमाउंट से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला स्टॉक है हमारा आलोक इंडस्ट्री। ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है क्योंकि अब ये पहले का आलोक इंडस्ट्री नहीं रहा, अब रिलायंस इसे ऑक्यूपाई कर लिया और रिलायंस इससे काफ़ी अच्छा कारोबार कर रहा है। बस एक हमारा जो दिक्कत है इस पे, इनके रिजल्ट को जब तक हम लोग देख नहीं लेते हैं तब तक इसमें इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा परहेज करना है। जैसे हम रिजल्ट देख लेते हैं कि कंपनी अच्छा रिजल्ट दे रही है, पीछे का जो रिकॉर्ड है मतलब लॉस का उसको ब्रेक करती है और अब अच्छा रिजल्ट प्रॉफिट पेश करती है, तो निश्चित है कि हम इसमें इन्वेस्ट करना बनता है। तो हर इन्वेस्टर का नज़र इसके क्वार्टर के रिजल्ट पर है कि जो मार्च क्वार्टर उसका भी रिजल्ट नहीं आया है, जून क्वार्टर का भी नहीं आया है, तो जैसे रिजल्ट आता है तो कंपनी के जो बिजनेस है उसको जान पाएंगे, कंपनी कैसा बिजनेस कर रही है, मैनेजमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, रिलायंस के अंडर आ चुका है तो मैनेजमेंट
नीट एंड क्लीन है, बस कंपनी के बिजनेस को देखना है, कंपनी बिजनेस कैसा कर रही है, प्रॉफिट कितना अर्न कर रही है, अर्निंग पर शेयर कितना है, फिर उसके बाद इसमें आप उस मतलब रिजल्ट के अनुसार आप प्राइस में एक्शन आप खुद ब खुद देख लें। अगर रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है तो ये आपको अपर सर्किट लगातार लगता हुआ दिखेगा, अगर रिजल्ट में गड़बड़ी होता है तो निश्चित है आपको लोअर सर्किट देखने मिल सकता है। तो रिजल्ट आपको देखना है, रिजल्ट के बाद आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिजल्ट जैसा आता है उसके अनुसार। अगर रिजल्ट खराब आता है तो आपको इससे में इन्वेस्ट करने से बचनी चाहिए। अभी इसका करेंट प्राइस है 31.60 रुपया, तो आप इसका 52 वीक का हाई देखेंगे तो 58 रुपीज़ है, लो देखेंगे तो 3.80 रुपीज़ है। तो अगर आप यहाँ पर नीचे के प्राइस पर बाय करते तो काफ़ी बेहतरीन था, अब तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस पर मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार अपर सर्किट के साथ ये 58 रुपीज़ गया, वहाँ से फिर लोअर सर्किट के साथ 26 रुपीज़ आया। अगला जो स्टॉक है हमारा वो है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, ये तो 50 रुपीज़ से अधिक है लेकिन आपको 50 रुपीज़ पर मिल जाएगा, क्या कि बैंकिंग में करेक्शन बोल रहा है कि आएगा, लेकिन इसके प्राइस में आपको तेज़ी इसलिए देखने मिल रहा है क्योंकि ये भी काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट पेश किया इस पैंडमिक सिचुएशन में। तो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट मतलब प्रॉफिट पेश किया इस बैंक ने, तो उसके बाद काफ़ी तेज़ी देखने मिला। इस बैंक में भी राकेश झुनझुनवाला जी का इन्वेस्टमेंट है और जून क्वार्टर में उन्होंने अपना इसमें स्टेक बढ़ाया है, तो समझ सकते हैं अपना स्टेक उन्होंने बढ़ाया है। अगर ऐसे बेहतरीन बैंक ऐसे ही रिजल्ट पेश करता गया और आप 10 साल के लिए इस स्टॉक को होल्ड करते हैं तो ये HDFC बैंक से आपको ज़्यादा रिटर्न देगा। मतलब आप HDFC बैंक में इन्वेस्ट करते हैं तो वो तो एक ब्लू चिप कंपनी है, वो उसमें आपको उतना मल्टीबैगर रिटर्न नहीं मिलेगा जितना मल्टीबैगर इसमें मिलेगा, लेकिन फंडामेंटल्स तो कंपनी का बेहतरीन है, लेकिन इस कंपनी का बिजनेस लगातार ग्रो करे तब जाकर के आपको एक बेहतरीन मतलब रिटर्न इससे मल्टीबैगर रिटर्न प्राप्त होगा। तो अभी करेंट प्राइस इसका 55 रुपीज़ 85 पैसा, 52 भी कहा देखिएगा तो 98 रुपीज़ 55 पैसा है और लो है 35 रुपीज़ 70 पैसा। तो प्राइस तो मतलब बहुत ही अच्छा है, इंट्रेंसिक प्राइस पर आपको मिल रहा है। अगर आप वेट करते हैं तो और करेक्शन पर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि बैंकिंग सेक्टर ऐसा बोला जाएगा और ज़्यादा इसमें गिरावट आएगा, आगे प्रोविजन्स काफ़ी बढ़ेगा, तो इन सब बातों पर आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है हमारा करूर विद्या बैंक। दोस्तों ये भी काफ़ी बेहतरीन बैंक में से एक है, 31 रुपीज़ अभी करेंट प्राइस है और इसका 52 भी खाए देखिए 66 रुपीज़ है, तो काफ़ी 50% से भी नीचे मिल रहा है आपको और लो देखिएगा तो 18 रुपीज़ 75 पैसा है। ये स्टॉक्स काफ़ी आपको डिस्काउंट प्राइस पर मिल रहा है। अभी देखिएगा तो आप इसमें एक महीना पहले काफ़ी तेज़ी देखने मिला था, फिर इसमें गिरावट आया, तो लगातार इसमें गिरावट और तेज़ी बना हुआ है। तो अगर 20 रुपीज़ पर मिल जाता तो ये इवर ग्रीन बैंक है क्योंकि ये बैंक देखिएगा तो 2% तक डिविडेंड यील्ड है और प्राइस नीचे आता है तो और डिविडेंड यील्ड बढ़ेगा। मतलब अभी 30 रुपीज़ 31 रुपीज़ है, 30 रुपीज़ से 20 रुपीज़ आ जाता है तो आपको ये जो डिविडेंड यील्ड है 2.5% से 3% आपको हो जाएगा। तो कितना अच्छा डिविडेंड यील्ड है, मतलब लगातार हर साल ये डिविडेंड देने वाली कंपनी है। तो ये बैंक को काफ़ी बेहतरीन बैंक में से एक है। राकेश झुनझुनवाला जी का इन्वेस्टमेंट इस बैंक में भी है, तो IDFC फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, करूर विद्या बैंक तीनों में उनका इन्वेस्टमेंट है। तो आपको जैसे बैंकिंग सेक्टर अंडर परफॉर्म रहेगा, गिरावट आएगा, करेक्शन आएगा तो आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिचुएशन नॉर्मल होगा तो निश्चित है कि ये सारे बैंक काफ़ी परफॉर्म करने वाले हैं। इसके बाद अगला हमारा स्टॉक है अशोक लेलैंड, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है और ऑटो सेक्टर काफ़ी अंडर परफॉर्म है, ऑटो सेक्टर में कोई सेल्स है ही नहीं अभी, इसलिए ये सारे स्टॉक्स आपको काफ़ी गिरावट में मिल रहे हैं। नहीं तो इस स्टॉक का देखिएगा 87 रुपीज़ हाई प्राइस है, 87 रुपीज़ वन ईयर का हाई प्राइस है और लो प्राइस 33 रुपीज़ तक ये स्टॉक जा चुका था। तो ये इस स्टॉक में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये भी स्टॉक आपको 50 रुपीज़ से नीचे मिल जाएगा। जैसे स्टॉक मार्केट अभी 11,000 से ऊपर है, 500 पॉइंट गिरावट आता है तो निश्चित है कि इसमें भी 2-3 रुपये आपको करेक्शन आ जाएगा, तो आप यहाँ पर 50 रुपीज़ से नीचे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से, तो ये भी देख सकते हैं 50 रुपीज़ से ये नीचे ही चल रहा था, यही अभी 2-3 दिन से इस पर काफ़ी तेज़ी आया जिसके कारण इसका प्राइस जो है आपको 50 रुपीज़ से ऊपर आता हुआ दिख रहा है। तो ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में ये भी आपको बेहतरीन रिटर्न देगा, जैसे सिचुएशन नॉर्मल होता है, ऑटो सेक्टर हमारा परफॉर्म करता है, निश्चित आपको बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। देख सकते हैं कई बार इसमें गिरावट आया है लेकिन हर बार ये रिकवर किया है स्टॉक्स। डिविडेंड इसका भी काफ़ी शानदार है, अगर गिरावट में मिलता है तो 5% का आपको डिविडेंड यील्ड इसमें मिलेगा, तो डिविडेंड यील्ड काफ़ी शानदार है। अगला है हमारा
टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स, ये भी स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है। इसका डिविडेंड यील्ड देखिएगा 3% का है। अगर आप इसे 40 रुपीज़ पर लेते तो डिविडेंड यील्ड 5% होता, और कम प्राइस पर लेते तो इसका डिविडेंड यील्ड आपको 6-7% आता। देख सकते हैं 27 रुपीज़ का ये लो बनाया था, 30 रुपीज़ पर लेते तो डिविडेंड यील्ड आपको 6% के आसपास मिलता। तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, आप टाटा ग्रुप की कंपनी है तो आप इसमें ले सकते हैं। जैसे टाटा कॉफ़ी, अभी आप देखिएगा टाटा कॉफ़ी जो है 90 रुपीज़ का स्टॉक है, पहले वो 70 रुपीज़ का हुआ करता था, अभी आज उसमें 20% का तेज़ी देखने मिला था। तो टाटा के जो कंपनी है काफ़ी बेहतरीन है, जैसे ये प्रॉफिट पेश करेगा तो फिर आप इसे पकड़ नहीं पाएंगे। इसमें आपको 10% 20% की तेज़ी एक एक दिन में देखने मिल सकता है। तो इसमें चाहे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, SIP मोड में इन्वेस्ट करेंगे। पावर सेक्टर जो आगे परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि पावर का यूज जो हमारे इंडिया को है, पावर का बहुत सारा ज़्यादा यूज की ज़रूरत पड़ेगा आगे। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक इंजन लाएंगे तो पावर का यूज बढ़ेगा, हर चीज़ में आप धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी बढ़ रहा है, सोलर पावर प्लांट बढ़ रहा है, तो इन सब कंपनियों काफ़ी आगे परफॉर्म करने वाली है। तो गिरावट में मिलता है तो आपको इन्वेस्ट करने में कुछ नहीं जाता, गिरावट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी तो ये काफ़ी ऊपर आ चुका है, तो आप जैसे 40 रुपीज़ उससे नीचे मिलता है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक और बेहतरीन कंपनी नेटवर्क 18 एंड मीडिया इन्वेस्टमेंट, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, और इसमें हाथवे केबल डेन नेटवर्क टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का मर्जर होगा, जिसके बाद ये एक मिड कैप कंपनी हो जाएगी। अभी ये स्मॉल कैप कंपनी है, ये एक मिड कैप कंपनी बन जाएगी। तो समझ सकते हैं आप कितना बेहतरीन कंपनी है। ये भी आपको काफ़ी डिस्काउंट मिल रहा है, 52 बिक हाई देखिएगा तो 50 रुपीज़ है, अभी आपको मात्र मिल रहा है 40 रुपीज़ पे। और ये कंपनी लॉस पेश किया, इसलिए आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है। लेकिन इसके जो और कंपनियां हैं जिसका मर्जर होना है, हाथवे केबल और डे नेटवर्क, दोनों जो है प्रॉफिट पेश किया, लेकिन इस कंपनी में लॉस होने के कारण, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस देखिएगा तो लॉस काफ़ी घटा है। अगर पैंडमिक सिचुएशन नहीं होता तो ये कंपनियाँ प्रॉफिट में आ जाती। तो टीवी 18, नेटवर्क 18 और हाथवे केबल डे नेटवर्क, आप इसमें किसी में खरीदें आपको शेयर मिलेगा नेटवर्क 18 का, तो आप क्यों ना इसी का शेयर खरीदें। जो हाथवे केबल है हाई प्राइस पर मिल रहा है, लेकिन शेयर तो आपको इसी का मिलना है, तो उसको हाई प्राइस पर खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं। नेटवर्क 18 को हाई प्राइस पर खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं, आप इसका शेयर खरीदें, आपका चारों में इन्वेस्टमेंट हो गया, मर्ज होकर के चारों एक कंपनी बनेगी। तो ये कंपनियाँ जैसे आपको 30 रुपीज़ पर मिल जाए तो काफ़ी बेहतरीन है, आप 30 रुपीज़ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन कंपनियों में से एक है, तो आप इसमें चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसमें देखिएगा आज 8% की रैली, देखते हैं 8% से भी ज़्यादा की रैली है आज, तो काफ़ी बेहतरीन बैंक है। तो इन सारे बैंकों में आपको जो है देखना है कि ये जो बैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 87% होल्ड करता है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है ये सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये एक गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक है, इसमें 87% जो स्टेक है वो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो ये एक PSU स्टॉक्स है, तो PSU स्टॉक आप जानते हैं कि परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है PSU स्टॉक परफॉर्म करे। आप देखते हैं 10 रुपीज़ से भी नीचे ये स्टॉक्स आ चुका था, तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते थे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता था। जैसे 10 रुपीज़ के आसपास मिलता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये PSU स्टॉक है तो इसमें आपको सिक्योरिटी मिलेगा गवर्नमेंट का, तो और कोई दिक्कत इसमें मैनेजमेंट में आने वाला नहीं है। अगला जो हमारा लास्ट नंबर का स्टॉक है वो है साउथ इंडियन बैंक, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। इसमें देखते हैं 25 पैसा का रैली है आज, तो ये 3.65% की रैली है, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। ये भी बैंक पॉजिटिव रिजल्ट पेश किया, प्रॉफिट में रिजल्ट पेश किया, तो समझ सकते हैं कितना बेहतरीन बैंक है। तो ऐसे बैंक के स्टॉक्स आप देखें, अगर प्रोविजनिंग नहीं बढ़ता है, ये कंपनी लगातार प्रॉफिट पेश करती है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन छोटे क्वांटिटी में इन्वेस्ट करें। जैसा कि हमने वीडियो को पहले ही कहा, तो इसका अभी करेंट प्राइस है 7 रुपीज़ 10 पैसा, और 52 वीक लो देखेगा तो 4 रुपीज़ 80 पैसा, हाई देखेगा 13 रुपीज़ 25 पैसा। तो ये स्टॉक्स आपको 6 रुपीज़ उससे नीचे मिलता है, 5 रुपीज़ पर मिल जाए तो काफ़ी बेहतरीन है। आप जो चाय पीते हैं वो चाय पीने के बदले आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो चाय जो पीते हैं एक महीना नहीं पियेंगे तो आपका जो एक महीने में ये कम से कम तो आपका 120 स्टॉक हो जाएगा, तो बस वो 120 स्टॉक इसमें इन्वेस्ट कर देना है। तो ये बेहतरीन 10 शेयर थे जो कि 50 रुपीज़ से नीचे मिले हैं। इसमें से 5 स्टॉक्स कौन सबसे अच्छा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो उनको सीखने के लिए जो नए लोग आए हैं, तो 5 बेहतरीन स्टॉक्स आपको नीचे इसमें से बताना है कि कौन सा लगा,
तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।